surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should. Hey guys, I'm Prakshit and welcome to my YouTube channel. हाँ भाई, तो आज हमने की है थोड़ी सी नई शुरुआत। तो अभी गाड़ी में बैठ के वीडियो शुरू कर रहे हैं आज, और टाइम हो रखा है 12:30। तो हमने दिन में सेम वही चीजें रिपीट की है जो हम दो वीडियो से ऑलरेडी आपको बता रहे हैं। तो आज 12:23 पे हमने सोचा कि भूख लगी है और बहुत सारे दिन हो गए, मतलब बहुत ज्यादा दिन हो गए मेरे को भी इधर आए। 6 तारीख को पहुंचा था। ए सीरी, तुझे बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो देखो, मैं 6 तारीख को आ गया था इधर, और 6 तारीख के बाद मैंने एक बार भी डोमिनोज पे नहीं गया हूँ अभी तक मैं। तो आज हम सोचे ले भाई, आज कार्डियो वगैरह तो मैं कर ही आया है, तो अब मेरा मन था डोमिनोज पे जाने का। थोड़ी सी कार्डियो वेस्ट की था, तो मैं और भाई सब जा रहे हैं अब कार्डियो वेस्ट करने। ये तो करता को नहीं, वो पता है इसमें जरूरत नहीं वैसे तो। तो मैं अब खाएंगे पिज्जा। अब यूं नहीं पता हम जाके पिज्जा कौन सा खाएंगे, वहां पे देखेंगे कौन सा सबसे स्वादिष्ट लग रहा होगा ना, वही खाना है बस। ओहो, आज का दिन हम चीट डे घोषित करेंगे। सब खा जाएंगे क्योंकि रोज करो वो तो तू। रोज नहीं, हर पल हर क्षण। यार कुछ नहीं खाता मैं, झूठ बोला जा रहा है। वाह मस्त लग रहा है। ये है भाई सेक्टर 3, रोहतक का सेक्टर 3 के आसपास का एरिया है जो कि कंस्ट्रक्शन चल रही है। और देखो डोमिनोज है हमारा सत्यम मॉल के अंदर, तो अभी आ गए हम सेक्टरों में सत्यम मॉल के पास। उधर अगर दिख रहा हो, इधर सारे कंस्ट्रक्शन चल रही है। रोहतक में ग्रीनरी बहुत है भाई। ये आ गया सत्यम, स्काईटेक मॉल है इसका नाम। अच्छा स्काईटेक मॉल है भाई, मैं सत्यम ऐसे ही बोल रहा था। उधर वो थिएटर है सत्यम। यार पहुंच तो गया पर हमें ऐसा लग रहा है कि बंद है स्काईटेक मॉल। इसका नाम सत्यम नहीं है भाई, सत्यम उसके वो है इधर सिनेमा थिएटर है ना जो, उसका नाम है। सबसे ऊपर सत्यम दिखता था पहले, तो वो उसी से याद हो रखा है। ओ आईनॉक्स खुल गया इधर, तो अब देखते हैं स्काईटेक ये मॉल खुला है या बंद है। ओह बहुत ज़्यादा गर्मी यार, गाड़ी से उतरते ही इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना बस। अब यूँ नहीं पता भाई खुला है, मेरे को तो बंद लग रहा है, पूरा खंडर हो रखा है। तो देखना बंद है बंद। तो यार आज फिर पोपट हो गया मेरा, हर फर्स्ट बारी में कोई काम होता ही नहीं मेरा। भगवान पूरी मेहनत करो, बताइयो यार कोई कोई कौन सा भारी है मेरे ऊपर, सनी भारी है कौन भारी है। हुण किथे चलना जी वीरे, नसी में एक डोमिनोस कल रहा उसमें देख ले। ओ सही कह यार, इतनी दूर आने की जरूरत नहीं, उड़े रास्ते में सब उड़े जी, तू पुलिस वाला तने देख रहा। चलो भाई हमारे पास एक डोमिनोस है तो उधर चलते हैं अब। हमारे यहां बात ऐसी है, मॉल तो मिला बंद, तो बीच में हमें एक जगह मिल गई मस्त सी। उधर हमने मंगवा लिए है हनी चिली पटेटो। हनी चिली पटेटो भी खाने जरूरी है। मैं सब कुछ खाते जाएंगे आज, क्योंकि है चीट डे, हम चीट डे मना रहे हैं आज। और साथ में मंगवा लिए हैं स्प्रिंग रोल, पूरा मस्त चीट डे बना दिया है आज तो। एकदम रकास वाला स्प्रिंग रोल भी आ गया, पसीने तो आ गया, गर्मी है क्योंकि बहुत ज्यादा। यार देखो आज हमने चीट डे बनाया जोरों शोरों से, परंतु फिर मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो गया सोने के बाद, इसलिए आज साइकिल छोड़ के, साइकिल भाई थी दे दी और खुद आ गया हूँ पैदल। आज हम 4 किलोमीटर पैदल जाएंगे, 4 किलोमीटर वापस आएंगे। 8 किलोमीटर में थोड़ा सा चीट डे तो ठीक हो सकता है। और क्योंकि मैं ना बड़ा नहीं भूल गया उधर रुकाटो को जान दो एक बार।
क्योंकि हम फालूदा और बादाम शेक भी पी के आ चुके हैं, और उधर मैंने वीडियो ऑन नहीं की कि वो गाड़ी में भूल गया था मैं अपना फोन, इसलिए तो आज 4 किलोमीटर पैदल और 4 किलोमीटर वापस, 8 किलोमीटर की दौड़ बोल सकते हैं, और बीच बीच में रुक के ऐसे चलने लग जाता हूँ। ये देखो इधर चावल उगा रखे हैं, ये किसी को ना पता हो तो, वैसे तो पता ही होगा सबको। खेत पूरे आगे तक, और वो वाली फसल कोई और है उधर जाके थोड़ी सी आगे शायद, ये तो चावल है। भाई साहब भाव देखना, ओ भाई साहब फ्लो देखना कितना ज्यादा है। इधर खड़ा हूं मैं, तो देखना यार कितनी देर से वॉकिंग कर रहा हूं मैं, 5.17 किलोमीटर कर दिए, 425 कैलोरी बर्न होगी। पूरा ही जोर लगा दिया आज तो मैंने। मैं यू कह रहा था चीट डे होगा, चीट डे का मैंने तो वर्किंग डे बना दिया। कोई नहीं, जरूरी था, आज ज्यादा ही खाया था मैं, और मीठा भी बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा था, इसलिए मैं सोचा चल कर ही लेते हैं। 5.17 किलोमीटर 1 घंटे में आए हैं, मतलब आराम से बातचीत भी करते आए, बीच बीच में भाग लिए, बीच बीच में स्लो हो गया था, बीच बीच में ऐसे इस नॉर्मल स्पीड पे था, तो मेरे को लगा 1 घंटा 17 मिनट की ना उसमें 5.17 किलोमीटर में। मतलब ऐसे हम अपना सोच के नहीं आए थे कि हम ऐसे रेस मारने जा रहे हैं, हम ऐसे ही आए थे कि नहर तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। ओह इसके गला खराब हो रहा है भाई का, इसलिए हम नहर में कूद नहीं रहे हैं, फिर मेरा अकेला मन नहीं करता। वरना वैसे तो जी कर रहा है कूद ले, पर ये वाली ना छोटी है, जो पीछे वाली थी ना उसमें पैर लग जाते हैं मेरे, हमें बड़ी वाली में उस जेलन में मजा आता उस साइड वाली में। तो बस 10 मिनट इधर रुके थे पहुँचने के बाद, और अब घर की तरफ जा रहे हैं मस्त। ये देखो पूरा प्रॉपर लिख रखा है, चेतावनी पढ़ लेना, गहराई 14.60 फीट, कोई झूठ नहीं है हमारे पास, कोई झूठ नहीं बोल दी गई है। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. उसके बीच में चलते हैं पा, जहां से दोनों नहर मिलती है, इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी, इस साइड। ओह इधर तो मंदिर बना रखा है छोटा सा, इसको पार कर लूं कदे पैर फिसल जा देखूं। और नहर में पड़ू गद देसी, ओ कपड़े पहन रहा हूँ, फोन भी हाथ में है, यूं कह रहा है इस पर लटक जा। वाह पहुंच गया अपन उस पे, उधर नहीं जाता। पढ़ जूंगा तो आ जूंगा, पर फोन हाथ में। ये जामन का पेड़ है ना, जामन एक भी नहीं लग रही, पर ओह जाते जाते पूरा अंधेरा हो गया, आवाज आ रही है झिंगरों की। घर पहुंच गए थे और उसके बाद वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी शरीर में। बस उसके बाद नहा के आया हूँ अब, और ये कपड़े चेंज करके अब एसी के आगे लौटा हूँ, बैठा हूँ अभी तो थोड़ी देर, अब लेट हूँ 1 घंटा मस्त, अभी नहीं खाया जाता है कुछ भी। जान निकल गई भाई साहब, 10 किलोमीटर सोचा नहीं था इतना है, मैं तो सोच रहा था 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर वापस आ जाऊंगा, 6 में 5.17 किलोमीटर था जाना और 5.17 किलोमीटर आना। ओह
चलो कोई नहीं, आज चीट डे बनाया था तो वो मेरे लिए बहुत ही दुख भरा रहा, मुश्किल रहा। देखो अब खाएंगे हम रोटी, बुआ खिलाएगी रोटी आज की। तो बस इधर ही बैठी है इसलिए हंस रहा हूँ। बाकी चलो इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, काफी बड़ी वीडियो होगी होगी मेरे ख्याल से। मेहनत मेरी, रहमत उसकी और प्यार आप लोगों का। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।